हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हाँ मैं जा रहे हैं शिफ्ट करने अपना मकान दूसरी जगह। ठीक है, थोड़ा मन थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मन लग गया था। भाइयों के साथ सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सभी भाई। और हमने कर लिया पैकिंग। बाकी ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड होएगी, संडे को होती है क्योंकि अब आप लोगों को पता ही है कि मैं अपना जो काम पे लग चुका हूँ तो वहाँ मेरे को टाइम नहीं मिलता। टोटल मेरे 15 घंटे जो मेरे यहाँ वेस्ट हो जाते हैं, 15 घंटे। तो आके बस नहा के खाना खुना खा के सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के फिर काम पे बस ये काम लगा रहता है। तो संडे को ही जितना होएगा, संडे को मेरी वीडियो अपलोड होएंगी, तो सॉरी उसके लिए। बाकी जैसे भी होएगा ये अपने भाई जी, ठीक है। बाकी मैंने अपने कर लिए सामान पैक, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये पैक बुक हमने कर लिए तैयार। बाकी दो टैचियाँ थी वो मैं छोड़ के आ चुका हूँ पहले ही। तो बाकी मैं दो टैचे में छोड़ के आ चुका था पहले ही, तो मैं सुबह गया था। ठीक है, और भाई अपना कहीं गए हुए थे। तो फिलहाल मैं और जो पीछे भाई खड़े हैं ये बाहर की तरफ हो जा रहे हैं, और जो ये भाई हैं अपने सलू भाई, ये जो अपने सलू भाई ये फिलहाल यहीं पे हैं। बाकी इनका देखते हैं क्या रहेगा। ये मामा जी के लड़के हैं और ये अपने चाचा जी के लड़के सगे ही हैं, मतलब दोनों भाई अपने सगे जैसे हैं बिल्कुल। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, बाईपास जाएंगे, बस की टाइमिंग देखते हैं। तो मिलते हैं आपको नए घर के, नए घर में जाके। बाकी सॉरी कि अब मेरी वीडियोस बहुत लेट लेट आएंगी, अब सिर्फ संडे संडे को आती रहेंगी। बाकी उम्मीद करूँगा कि उनका थोड़ा शेड्यूल बना के उसको उसके अकॉर्डिंग अपलोड करता रहूँगा, कि दो दो तीन तीन दिन का गैप देके, क्योंकि मुझे ज़्यादा घूमने फिरने का टाइम नहीं मिलेगा और ना ही ब्लॉगिंग बनाने का। ठीक है, तो संडे को ही अप्रोक्सीमेट, मतलब संडे को वैसे रेस्ट का दिन होगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ के आसपास टूरिस्ट एरिया में जाके वो जब आपको दिखाऊं। तो मिलते हैं वापसी, तो अपना घर की तरफ जाते हुए पैक कर लिया हमने सामान। बाकी वो जो कपड़े रह रहे अभी भाई ये कर रहे हैं तैयार। तो हो चुके हैं अपना तैयार, तो खड़े रहना वीडियो में। बाकी थोड़ा फील हो रहा है कि उस भाई को अकेले को यहाँ छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो अभी अभी आए थे, आप लोगों को पता ही है, कुछ ही टाइम पहले। तो इनकी वहाँ बात नहीं हो पाई थी प्रॉपर उस रूम में, तो अब जाके वहाँ करते हैं बात जैसा भी रहेगा। तो गाइज हम ना घर से निकल चुके हैं और फिलहाल हम जा रहे हैं अपना बारको स्टेशन पे, मतलब शिफ्ट स्टेशन पे। दोनों ने बैग ले रखे हैं और हाथ में भी ले रखे हैं, बैग टांग रखे हैं। और अभी हम जैसे पीछे में, क्योंकि बाइक का जो है पास रिचार्ज नहीं हो रखा, अभी पहले वो रिचार्ज कराएंगे, फिर यहाँ से बस में या मेट्रो जाती है, कम्बोई बोलते हैं उसमें जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको, बने रहना कम्बोई का वीडियो। तो गाइस अपना पास रिचार्ज कराने के बाद अब हम जा रहे हैं बस में, जाएंगे वहाँ तक। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, हम जाएंगे इस बस में, तो मिलते हैं हम आपको। तो लगे लाइन, अब हम जाएंगे इस बस में, तो मिलते हैं आपको अंदर जाकर ही। ठीक है, बस में बैठ के दिखाते हैं आपको सफ़र, तो बने रहना वीडियो में। ये अपना सामने शिफ्ट स्टेशन, ठीक है, और उस साइड है वो अपना है कम्बोई स्टेशन, मतलब ट्रेन बोलते हैं इसको, ये मेट्रो कुछ भी लगा लो। तो मिलते हैं आपको आगे चलकर ही। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने न्यू मकान में। बाकी बीच में मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा पाया, ठीक है ना, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि बाकी जब हम बस में वहाँ चढ़े तो रश भी बहुत ज़्यादा था, आप लोगों ने देखा था कि लाइन लगी हुई थी, तो वहाँ फ़ोन निकालने का टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे आके हम सीधा अंदर ही आ चुके हैं। अभी उनको टाइम नहीं लगा कि मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे अब याद आई है कि आप लोगों को दिखाऊँ। ये रख दिया हमने सामान अपना, ठीक है, टैची मैं सुबह लेके आया था, वो मैंने उस टाइम मैं दिखा नहीं पाया आपको। बाकी बैग वगैरह, ठीक है, बाकी ये अपना रूम, ये बेड लगा हुआ है, और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ रूम। और ये दूसरा रूम, ठीक है, फिलहाल यहाँ कोई नहीं रहता। लाइट नहीं बल रही इसकी, क्या हो गया। और ये अपना दूसरा रूम, ठीक है, बाहरी खिड़की हुई है, आपको कल दिखाता हूँ। ये अपना वॉशरूम टॉयलेट, ये दूसरा रूम है भाइयों का, वो इस टाइम गए हुए हैं लोग करके ना इसको। ये अपने हैं शिव महाराज जी, जय हो, शिव शंकर प्रभु, जय हो तिलोकपति, ठीक है ना। और ये अपना है किचन,
और ये यहाँ मतलब यहाँ बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। और ये सामने है अपना खिड़कियाँ, लॉक लगा हुआ है इसका। दोनों साइड से लोग लगा के गया था मैं जब आया था मैं सुबह। ये यहाँ से बाहर का व्यू ऑन द रोड। ये किचन से बाहर का व्यू है। कर देते हैं इसको बंद। और गाइस अपना ये है अपना फ्रिज, ठीक है ना, एक अपना सामान, और नीचे डीप फ्रिज, और ये अपनी वॉशिंग मशीन की अपना सामान वगैरह, मसाले वगैरह सब कुछ रखा हुआ है यहाँ भाइयों ने, ठीक है। जो अपने साथ रहते हैं वो भी अपने मतलब कि कुछ क्षेत्र से ही हैं, वो भी अपने पास के सेक्टर 8 में जो पेट्रोल पंप है अपना, महिला थाने के बैक साइड पे, वो इन्हीं भाइयों का है। इनके भाई जी वहाँ काम करते हैं। बाकी है अपना सामान का अलमीरा, ठीक है ना, शूज़ वगैरह, चप्पलें। तो चलो अब हम चलते हैं, कुछ सामान ले आते हैं अभी खाना बनाने के लिए। बाकी कुछ तो पड़ा, बाकी देखते हैं ले आप घूमाते हैं। ये अपना वॉशरूम है, इसे वाला ग्लास वाला आने के लिए सीट लगी हुई है। तो अभी आप चलते हैं, तो मिलते हैं आपको। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपना LD में, या मतलब कि अपना खाने पीने का सामान डेली यूज़ का जो भी वो मिल जाता है। तो अभी भी हम आया कि चलो घर पे जो कुछ भी पड़ा होगा, बट फिलहाल हम थोड़ा अपना और यूनिक सा कुछ देखने आए हैं, अगर मिल जाए तो मिलते हैं हम आपको, अंदर दिखाता हूँ आपको ना। बाकी फर्स्ट टाइम आया तो घर से कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, तो मिलते हैं आपको। तो गाइस हम सामान अपना जो लेके आ चुके हैं, ठीक है, अभी हम लीडर जाके आए हैं। मैंने आपको रास्ते में दिखाया था, बट वहाँ जाके वीडियो नहीं बना पाया अंदर, क्योंकि हम लेट हो चुके थे, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं, फालतू का मतलब फालतू में नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी अपना एक क्या कह सकते हैं, डेली लाइफ डेली रूटीन का एक काम है, वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना, ठीक है ना, लोगों को दिखाना अपनी रूटीन कि हम क्या कर रहे हैं जो भी है। बट थोड़ा जल्दबाजी में थे हम, तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं, तो हम बनाएंगे खाना पीना क्योंकि लेट हो चुके हैं। टाइम हो चुका है, मैं भी कहाँ देखूँ, मुझे याद नहीं, 1 मिनट। तो भाई टाइम हो चुका है 9:15, और अभी हमने खाना पीना बनाना है, फिर खा के सोना भी है, भाइयों के लिए भी बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि वो आते हैं लेट, 1 बजे तक आते हैं, वो 12 बजे छुट्टी होती है उनकी, तो 1 बजे तक वो यहाँ पहुँचते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो अब आपको इस घर की, ठीक है, इस घर के बारे में थोड़ा बताया करेंगे कि कहाँ पे क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा। ये थोड़ा ब्रैरो से हटके, ब्रैरो मतलब शिप से थोड़ा दूर है, वो जब हम पहले रहते वो थोड़ा शिप के पास ही था, शिप स्टेशन के बिल्कुल पास, वहाँ से हमको लगते थे पैदल पैदल 5 मिनट, बट यहाँ से हमको बाय बस जाना पड़ता है, बस में लगते हैं 15 से 20 मिनट। बाकी तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है, हमने घर शिफ्ट किया, आपने देखा ही है। तो मिलते हैं आप किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाकी हाँ आपको पता ही है कि मतलब कि काम के रिगार्डिंग तो थोड़ा बहुत वीडियोस लेट आती रहेंगी, हर संडे को या जैसे भी सिस्टम रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।